हेलो गाइस, कदा जिद्दा कि तुसी जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में और साथ में टाइटल में देख लिया होगा कि आज मैं डॉग के रिलेटेड बात करने वाला हूँ, सोल के रिलेटेड। और सोल यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। हाँ, सोल नहीं, सोल को मैं नहीं लाया हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैं कुछ यूनिक करना चाहता था और मैंने सोचा कि मोटो व्लॉगिंग के साथ आपको सोल के लिए सोल का डिटेल दे दें, क्योंकि आज मौसम बहुत बेईमान है, बहुत सुहाना मौसम है आज, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस चीज़ का फ़ायदा उठा के तो हम थोड़ा सा मोटो व्लॉगिंग कर लेंगे और साथ में सोल के डिटेल दे देंगे आपको। सबसे पहले चीज़ टैटू बनवा लिया आपके भाई ने, दोनों हाथों पे बनाया है, तो इस पे भी वीडियो मैं डालूंगा बहुत जल्दी, बट पहले सोल पे मैं डालूंगा वीडियो, क्योंकि सोल की जो सीरीज़ आनी थी वो उसका जो जिसका मैंने वादा किया हुआ था वो मैंने अभी लाया नहीं, जस्ट बिकॉज की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी सोल के लेग्स में, पेन हो गई थी सोल को लगी हुई थी, तभी मैंने सोल पे वीडियो नहीं बनाई। तो अब सोल ठीक हो गया, बट मैंने सोचा कि चलो मौसम भी अच्छा है तो हम थोड़ी व्लॉग कर लेते हैं मोटो व्लॉगिंग के साथ। तो गाइस, क्वेरीज आ रही थी काफ़ी, जो न्यू पपी ओनर हैं जिन्होंने स्टार्ट अभी फर्स्ट टाइम जिन्होंने डॉग लिया है उनके लिए मैं काफ़ी अच्छी चीज़ लाया हूँ, दैट कि गर्मियों में खाना क्या दें, सर्दियों में खाना क्या दें। जो छोटे पपीज़ होते हैं, जैसे कि 25 दिन के हो गए, 38 दिन के हो गए, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर के जो पपीज़ होते हैं, सबसे पहले गाइस 25 डेज़ तक आपको सेरेलैक देना है। जो अगर आपका डॉग आपके पास 2 महीने का आया है, 1.5 महीने का आया है, या 2 महीने का आया है, या 2.5 महीने का आया है, तो सबसे पहले तो आप सेरेलैक दें। सेरेलैक जो ह्यूमन सेरेलैक आता है वो भी दे सकते हो, डॉग सेरेलैक आता है वो भी दे सकते हो, पपी सेरेलैक, दोनों में से कुछ भी दे सकते हो, इसमें कोई वो नहीं कि भाई आपको यही देना है। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, क्योंकि मैं अब बता नहीं सकता, मैं बताऊंगा कि आप छोटे डॉग को उतनी क्वांटिटी में दे दो तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, 1 वीक के लिए देना है, उसके बाद आपको फीड स्टार्ट करना है। अगर आपका बजट नहीं है फीड के लिए, यार मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप मिनिमम से मिनिमम 3 या 4 महीने तक आप अपने डॉग को फीड दें, चाहे किसी भी ब्रांड का दें, ज़्यादा प्रेफरेंस है कोई बढ़िया ब्रांड लें, या तो बढ़िया ब्रांड लें, या तो अगर बजट कम है तो फिर बढ़िया ब्रांड को थोड़े मतलब लो बजट वाले ब्रांड के साथ मिक्स करके आप उसको दे सकते हो अपने पप्पी को। जो छोटे पप्पीज होते हैं उनको आप 5 टाइम दें, कि 4-4 घंटे का गैप देंगे। और गाइस, 1 टाइम गर्मी में 1 टाइम लस्सी इज मस्ट, वो बहुत ज़रूरी है और बहुत मैंडेटरी है, वो देनी ही देनी है आपको अपने पप्पी को। और उसके बाद गाइस, लस्सी अगर वो नहीं पीता डॉग, कहीं पपीज़ होते हैं जो लस्सी नहीं पीते थे, जैसे मेरा सोल वो नहीं पीता था, तो उसको मैं अब देता था कच्ची लस्सी थोड़े से दूध में, बिल्कुल थोड़ा सा दूध डॉग के हिसाब से, पपी के हिसाब से थोड़ा सा दूध, उसमें पानी जितना दूध है उससे डबल पानी मिक्स करके उसको दे दें, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप उसका यूरिन देख सकते हो, येलो कलर का होगा, दैट मीन्स कि उसको गर्मी हो गई है, तो उसको आप वो दे सकते हो। गाइस, साथ में ये ना डॉग पे डिपेंड करता है कि कौन सा डॉग आपके पास है, जैसे पाकिस्तानी बुली हो गए वो बहुत रफ ब्रीड होते हैं, उनको आप जो मर्जी दे दो हजम कर लेते हैं, बट जैसे लैबरा हो गए, दूसरे डॉग्स हो गए, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है गाइस हजम करने में, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के देना क्वान्टिटी। आप पिटबुल्स को भी दे सकते हो ज़्यादा, ठीक है, वो भी हजम कर लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, बट जो लैबरा और दूसरी ब्रीड है छोटी ब्रीड, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप उनको क्या दे सकते हो, उनको आप दे सकते हो जैसे कि आप पिटबुल या पाकिस्तानी बुली या अमेरिकन बुली को आप अगर 3 या 4 लेग्स एक टाइम में दे रहे हो, तो आप जो लैबरा है उसको 2 लेग्स दो और सूप के साथ उसको चपाती मिक्स करके, चावल मिक्स करके दे दो, और 1 टाइम लस्सी देने देना है। इस गर्मियों में डॉग ज़्यादा खाते नहीं, सर्दियों में आप 3 टाइम आप चिकन दे सकते हो, है ना, लेग दे सकते हो, जो चिकन की लेग होती है वो काफ़ी ठंडी होती है, उसकी तस्वीर काफ़ी ठंडी होती है, और जो चिकन होता है उसकी गर्म होती है, उससे गर्मी पड़ जाती है डॉग को, तो ये चीज़ है। और गाइज, और भी काफ़ी क्वेरीज आ रहे थे गाइज, अगर आपको डॉग रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, डॉग रिलेटेड होगी, बाइक के रिलेटेड होगी, और भी सारी चीज़ों के रिलेटेड होगी, या व्लॉगिंग डेली व्लॉग्स आप देखना चाहते हो, तो गाइज इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, और बहुत सबसे ज़्यादा हमारा मोटिव रहता है कि आपको जितना इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें, हर एक चीज़ के रिलेटेड, गाड़ी के रिलेटेड होगी, बाइक के रिलेटेड होगी, डॉग्स के रिलेटेड होगी, किसी भी चीज़ के रिलेटेड होगी, आप क्वेरीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आपको उस चीज़ का पूरी, उस चीज़ पर पूरी एक वीडियो बना के मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो।
जो बड़े डॉग्स होते हैं उनको आप दो टाइम खाना दे सकते हो और एक टाइम लस्सी दे सकते हो। जितना बड़ा बड़ा होता रहता है डॉग्स गाइस, आप उतना ही आप उसके जो क्वांटिटी है और नहीं उसका जो स्केड्यूल है उसको कम कर सकते हो। बट लस्सी ज़रूर इंक्लूड करना उसके स्केड्यूल में एक टाइम शाम के टाइम में इज़ बेटर, है ना, क्योंकि सुबह जब वो रोटी खाता है उसके बाद दोपहर को रोटी खाएगा उसके बाद फिर आप शाम के टाइम में दे सकते हो उसको, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके जो डॉग के स्टमक के लिए। और गाइस जो थर्ड आपको मैं डिश जो आपको मैं बोल रहा था कुछ भी दे दो, उसमें आप ये पम्पकिन दे सकते हो बॉईल करके, है ना, पम्पकिन दे सकते हो, पम्पकिन के साथ आलू दे सकते हो। पम्पकिन इज़ लाइक वेरी हेल्पफुल फॉर योर डॉग स्टमक, क्योंकि जो पम्पकिन है वो आपके डॉग के जो पेट को है बिल्कुल साफ रखता है, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल जो भी उसमें गंद गुंद होता है जो भी सब कुछ निकाल देता है। और फ्रूट दे सकते हो उस टाइम पे आप जो थर्ड मिला। सबसे पहले सुबह आ गया आपकी चिकन, डॉग की जो अपना डॉग की कह रहा हूँ मुर्गे की लेग पीस, छोटा पपी है तो दो पीस दें लेग पीस, उसको बिल्कुल छोटा छोटा करके, हड्डी मत दें, जो छोटा डॉग है उसको हड्डी बिल्कुल रिकमेंड नहीं है गाइस, हड्डी मत दें, उसका जो ऊपरला मांस होता है चिक लेग पीस इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, एक तो वो ठंडा होता है और साथ में आपके बजट फ्रेंडली है, 50 रुपये का आपको 1 किलो मिल जाता है। मेरे को पता है कि हम डॉग कैसे पालते हैं, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत खर्चा होता है। जो 4 से 5 महीने के जो बड़े डॉग होते हैं, जैसे पहले तो छोटे डॉग को आप सिर्फ मांस मांस देना, हड्डी मत देना, और उसके बाद जब बड़ा हो जाता है डॉग उसको आप दे सकते हो हड्डी, बोन दे सकते हो। डॉग कहते हैं कि नहीं देना, डॉग्स बने इनके हड्डी उनके लिए खाने के लिए और मांस मूस खाने के लिए, तो आप उनको दे सकते हो हड्डी जब वो डॉग बड़े हो जाते हैं। यही था गाइज आज के वीडियो में, अगर मेरे से सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया हो तो आप क्वेश्चन मार्क डाल के उसकी क्वेरीज अपनी रख सकते हो, और क्या क्या करना मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अगर नहीं कमेंट में आपको सही तरह रिप्लाई मिलता, आपको आंसर नहीं मिलता, मैं फिर से एक और वीडियो बना दूंगा। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि मेरे को थोड़ी एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को ना एक्चुअली सारे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे मैस हो गए हैं, मतलब कि सारे एक दूसरे के साथ मिल गए हैं, उसकी वजह से मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन क्या क्या बोलूँ क्या बोलूँ। तो बस यही था गाइस क्वेरीज। देखो मौसम आज बहुत बढ़िया है और वो जम्मू तभी। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और डॉग के रिलेटेड अगर आपको और भी क्वेरीज होंगे तो वो आप पूछ सकते हो। और गाइस सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और अगर आप डॉग लवर हो इस पर भी वीडियो आएगी काफ़ी जल्दी इन दोनों टाइप पर। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।